मेरे घर में थोड़ी सी बलाई पड़ी हुई थी। मेरे पास 300 रुपया था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आइसक्रीम की कुछ चीजें लाओ, इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं जानती थी। लोगों की तो बहुत तरह की बातें सुनी, अभी ये जाएगी, अभी आइसक्रीम बेचेगी, अभी ये। एक दफा मैं आइसक्रीम जब बेच कर आई तो बहुत सारे फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे बातें की। मैं अपनी चची के पास गई, उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा तोगी रोड पे स्टॉल था। कोयटा में कोई फैक्ट्री नहीं थी, मैं पहली औरत हूँ जिसने कोयटा में फैक्ट्री बनाई आइसक्रीम की। तो उसमें मैंने ना, एक बच्ची ने मुझे बाजी कहा, बस उधर से मशहूर होते होते कहते ये तो वही बाजी आइसक्रीम वाली। मैं स्कूलों में जाती थी, स्टॉल लगाती थी, मेले एग्जीबिशन होते थे, वहां मुझे बुलाया जाता था। तो मैंने शुरू किया, पहले दिन मेरी आइसक्रीम 70 रुपए की बिकी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना फारूक, ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने मेरी हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोयटा से अपने घर से बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ घरेलू हालात इस तरह के थे, इंसान गुजारा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे कुछ चीज़ें ला दें। घर के हालात इस तरह के हो गए हैं, अभी जो है ना, मैं अपने घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने घर से जब बिजनेस स्टार्ट किया, अल्लाह पाक ने मेरी बहुत हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने जब जब आपकी हेल्प करता है ना, अल्लाह पाक जब आपकी हेल्प करते हैं ना, तब आप जो है ना बहुत मकाम पर पहुंच जाते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे होल फैमिली के लोग, इन्होंने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया, इन्होंने मेरी हेल्प की, इन्होंने मुझे कहा आप हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। और मेरे इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं। पहले बहुत कम था, फिर आहिस्ता 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 करते करते जब मैंने मेहनत की, मेरे पूरी फैमिली ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया और ये काम अल्लाह पाक ने उरूज पर पहुंचा दिया। और अल्लाह का इतना करम हुआ, अल्लाह की इतनी मेहरबानी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा शहर में मेरे जैसा ईमानदार, जैसे मैंने ईमानदारी से काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ईमानदारी से काम किया है, तो अल्लाह पाक ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे घर में थोड़ी सी बलाई पड़ी हुई थी, मेरे पास 300 रुपया था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आइसक्रीम की कुछ चीज़ें लाओ, इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं जानती थी। आइसक्रीम का काम थोड़ा बहुत मैं जानती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जब मुझे ला कर दिया तो मैंने शुरू किया, पहले दिन मेरी आइसक्रीम 70 रुपए की बिकी। उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बाहर निकली, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरे भाई मेरे साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं आगे आगे जाती रही, बढ़ती रही, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने जो है ना 20-25 सालों में ये काम जो है ना मेरा इस्टेब्लिश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्कूलों में जाती थी, स्टॉल लगाती थी, मेले एग्जीबिशन होते थे, वहाँ मुझे बुलाया जाता था। जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता था वो मुझे बुलाते थे और मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे और मुझे बुला कर स्टॉल लगाते थे। फिर मैं सब जगहों पर जाती थी, स्टॉल लगाती थी, सारी फैमिली मेरे साथ होती थी, ये पूरे पूरे हेल्पर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली का एक बंदा ये काम नहीं कर सकता। जब तक आप सारी पूरी फैमिली नाम मिलके काम करो, तब तक ये काम मुकम्मल नहीं। बहुत सारे मेरे पास फ्लेवर हैं, मैंगो, चीकू, चेरी, पाइनएप्पल, रसभरी, हर ऑरेंज, यानी कि मैं हर तरह का फ्लेवर बना लेती हूँ। और मैंने इसमें कुछ 2-3 कोर्स भी किए और जो है वो जो मुझे कामयाबी हुई। और हर तरह का फ्लेवर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बना लेती हूँ, जिसमें एक अमरूद मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, एक ऑरेंज करवाया इंट्रोड्यूस, एक अंजीर करवाया, एक कॉफ़ी करवाया। अच्छा, अब इसके अलावा माशाल्लाह और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं जो कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। जब आप अपने घर से निकलते हो ना, तो जब आप एक काम शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बातें करती हैं, लेकिन आप जो है ना उनकी तरफ तवज्जो ना दें। आपका काम है काम करना, आप घर से निकले हो काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह जब आप काम करते हो तो कामयाबी होगी। लोगों की तो बहुत तरह की बातें सुनी, अभी ये जाएगी, अभी आइसक्रीम बेचेगी, अभी ये फैमिली से निकलकर बच्चों को छोड़ के जाएगी, इस तरह की बातें अपने ही फैमिली के लोग करते हैं, अपने ही फैमिली वाले इस तरह की बातें करते हैं, तो आप इस पर गौर ना दें। ठीक है, आप ठीक है, आपसे बातें करते हैं, आपको कहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन
आप इस पर तवज्जो ना दें जी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एक दफ़ा मैं आइसक्रीम जब बेच कर आई तो बहुत सारे फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे बातें की। मैं अपनी चची के पास गई, उन्होंने मुझे कहा हिम्मत नहीं हारते हैं, आप क्यों परेशान होती हो, आप काम करो, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई, उन्होंने कहा कि आप जाओ काम करो, ये कोई बुरी बात नहीं है, सब काम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है आप काम करो। तो लिहाजा मैंने काम किया। बस एक स्कूल में मेरा स्टॉल था ना, तो उसमें मैंने ना एक बच्ची ने मुझे बाजी कहा, बस उधर से मशहूर होते होते कहते ये तो वही बाजी आइसक्रीम वाली। तो एक दफा उसने मुझे किसी महफिल में देखा तो उसने मुझे ये मेरा नाम पुकारना शुरू कर दिया। लिहाजा एक स्कूल से मुझे ये नाम मिला, एक बच्ची ने दिया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा तोगी रोड पे स्टॉल था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, सब लोग आते हैं। इसके बाद अल्लाह ने मुझे दो दुकानें दे दी हैं अभी, वो जो है ना उसकी वजह से सारे लोग मुझे जानने लग पड़े हैं, सब लोग आते हैं खाने के लिए और ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। लिहाजा जो है ना मेरी आइसक्रीम का नाम हक आइसक्रीम है जो क्वेटा भर में मशहूर है। जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने मुझे जब देखा, तो जब मेरी वीडियो वायरल हुई सब ने मुझे देखा और लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, ख़ास तौर पर मकामी लोगों ने, उनके जितने फंक्शन होते उन पर हमारी आइसक्रीम जाती थी, उन लोगों ने मेरी बहुत पज़ीराई की और मुझे बहुत लाइक किया। पहले मैं इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन जब ये मेरी वीडियो वायरल हुई उसके बाद मैं मशहूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सारे क्वेटा में आज मुझे सब जानते हैं और तकरीबन हमारी आइसक्रीम सब खाते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि ईमानदारी से करूं और मेरी आइसक्रीम के प्राइस राइजनेबल हैं, जो मैं कहती हूं हर खास व आम खाए। ये काम है मेरा, यहां से काम शुरू होता है। मैं क्वेटा में पहली औरत हूं जिसने, क्वेटा में कोई फैक्ट्री नहीं थी, मैं पहली औरत हूं जिसने क्वेटा में फैक्ट्री बनाई आइसक्रीम की, फिर वो अब भी यहां से काम शुरू होता है और मशीनें बनाई हैं। मैंने एक यूनिट से शुरू की, अभी बहुत सारी, अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक की मशीन भी आ गई, लिहाजा यहाँ से आइसक्रीम बनती है, फिर इधर से बन के फिर इधर से तैयार, इन मशीनों में तैयार होकर आइसक्रीम आगे जाती है। और ये काम अभी इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँ। ये मशीनें मेरी खुद साख्ता हैं, ये मैं खुद ही बनाता हूँ, मुझे किसी मसला नहीं होता। मैं तमाम मशीनों के लिए खुद कोशिश करके इनको मैन्युफैक्चर भी कर लेता हूँ, इनकी रिपेयरिंग भी कर लेता हूँ, सब तमाम तरीके मुझे आते हैं। हमारे पास मैनुअल मशीनें हैं तो इसके बाद अब ये हम ऑटोमेटिक मशीनों पर आ रहे हैं। मैं बलूचिस्तान की तमाम खवातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप जो भी काम करती हो ना, हिम्मत ना हारो, तो उसको करो, आगे बढ़कर करो, अल्लाह आपके साथ है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी, आप कभी नाकाम नहीं होगे। और जब आप एक मेहनत एक काम करने के लिए घर से निकलती हो तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपका काम ज़रूर होएगा और अल्लाह पाक आपको जो है ना इसमें मदद देगा।